मैं चाहूंगी कि आप सभी एक साथ मिलकर कहें ओम शांति ओम शांति ओम शांति संध्याकालीन आज के सत्र में जिसका विषय है बिस्टोविंग एंड रिसीविंग ब्लेसिंग्स दुआएं देना और दुआएं प्राप्त करना इस सेशन में आप सभी सच्चे समाज सेवियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है स्वागत है जोरदार ताली बजाएं क्योंकि आप लोग उन भाग्यशाली आत्माओं में हो जिन्हों को परमात्मा ने सेलेक्ट किया है इस महान तपस्या भूमि पर यहाँ पर आने वाली आत्माएं बहुत विशेष होती हैं और निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत विशेष आत्माएं हो जो पिछले तीन दिन से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर रहे ईश्वरीय वातावरण में हो और निश्चित रूप से जो शक्ति आपके भीतर भर रही है इसका प्रभाव जब आप यहाँ से जाएंगे अपने कर्म क्षेत्र पर तो वहां पे आप अनुभव करेंगे है ना तो एक बार फिर से अपने लिए ताली बजाएं, अपने भाग्य की ताली बजाएं और अपने श्रेष्ठ कर्म के लिए ताली बजाएं। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे अतिथिजनों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बीके प्रोफेसर ई वी भाई जी को जो मुंबई से हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई साहब आपका स्वागत है आज के सत्र में साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बी के विजय लक्ष्मी दीदी को जूंगरपुर जो कि समाज सेवा प्रभाग की एडिशनल जोनल कोऑर्डिनेटर हैं राजस्थान की साथ ही साथ मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी का भी आमंत्रण करना चाहूँगी जो डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस कोटा में कार्यरत है साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन बी के आशा दीदी खानपुर दिल्ली जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल विंग की आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बहुत सुंदर सेशन है नाम से ही जो हमें याद दिला रहा है हमारे कर्तव्यों को कि हमें दुआएं देना है और दुआएं प्राप्त करनी है है ना तो आज के इस सेशन में हम बहुत कुछ ऐसा नया जानेंगे कि किस विधि से हर पल हम दुआएं दे सकते हैं और हर पल हम दुआएं ले सकते हैं ज़ोरदार करतल ध्वनि से हम अपने जनों का वेलकम करेंगे स्वागत करेंगे और साथ ही साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ कि जिनके प्रेरणा से और जिनके ही कारण आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं परम समाज सेवी हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा आज उनका ही ज्ञान उनकी ही शक्ति उनकी ही प्रेरणा और वही हम सब के पीछे बैकबोर्न बनकर हैं तभी आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो परमात्मा का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में हम सभी दो मिनट के लिए शिव बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहने श्योर मुंबई से कि वो हमारे मेहमानों का स्वागत बैच और पुष्प गुच्छ के द्वारा करें हमारी आशा दीदी खानपुर दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर है समाज सेवा प्रधान के पहले की डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी कोटा से डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस जया लक्ष्मी दीदी टोंगलपुर एडिशनल जोनल कॉर्डिनेटर सोशल विंग राजस्थान प्रोफेसर इवि गिरीश भाईजी मोटिवेशनल स्पीकर हो सभी ने पिछले तीन दिन तक यह समझा है कि वास्तव में असली समाज सेवा क्या है समाज जो जिसकी शुरुआत ही होती है स्वयं से तो सच्ची सेवा यही है कि पहले हम स्वयं की सेवा करें क्योंकि कहा ही जाता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे सो ब्रह्मा कुमारी में जो मुख्य स्लोगन है और जो हमारे जीवन का आधार है वो यही है कि कहने से ज़्यादा हमें करने पर विश्वास रखना है क्योंकि हमारा कर्म ही हमारे शब्द है आज के दुनिया में कोई सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करता लेकिन देखना चाहता है प्रैक्टिकल हमारी लाइफ से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते तो वास्तव में सच्ची समाज सेवा यही है कि जब हम अपनी सेवा करके अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाएं, बनाए अपने आप को अच्छी धारणाओं से संपन्न करें तो निश्चित रूप से हमारे शब्दों में भी वो बल होगा और वो ताकत होगी जिससे बहुत सहज हम समाज में देश में विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं इसलिए आज मुझे लगता है कि अब हम सभी के अंदर ये भाव उत्पन्न होने लगे हैं कि जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें बेहतर माहौल बनाने की खातिर आओ मिलकर समाज का उत्थान करें, आओ मिलकर समाज का उत्थान करें तो हम सबको मिलकर के समाज को उठाना है और समाज तब उठेगा जब हम सब खुद को उठाएंगे और पिछले तीन दिन से आपने महसूस किया होगा कि जिस अवस्था में आप आए थे और आज अगर आप अपने आप को कंपेयर करके देखें तो निश्चित रूप से आप खुद में काफ़ी परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे और जितने भी लोगों से अभी मेरी मुलाकात हुई है और जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सभी को बहुत बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमारे बीच में कुमारी आ चुकी है अमरावती की कुमारी जो वेलकम डांस लेकर के प्रस्तुत हो रही है शिव है सूर्य हम सूर्य की किरण शिवं सुंदरम यहाँ वहां हम कितना ही भटके शिव ही अंततः सब कट जाना है सत्यम सुंदरम शिव समुद्र है सजाई शिव सहज समर्पण स्वीकार करता का स्वयं स्वीकार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता शिव आनंद है शिव अनंत है शिव वसंत है बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीके के प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई जी को आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पिछले 24 वर्षों से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं एन पी सी एल आई आई टी टी सी एस टाटा पावर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं डिफेंस हैं बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर, आई टी कंपनी फार्माक्यूटिकल्स हॉस्पिटल्स रोटरी क्लब आप आप सुबह भी आप सभी ने इनका सेशन सुना ही होगा बहुत ही प्रभावशाली वक्ता है और कहते हैं कि जितना ही कोई वृक्ष फलों से लदा ही होता है उतना वो झुका होता तो वास्तव में जितना ये गुणों से संपन्न है उतना ही ये नम्रचित है इनकी बहुत विशेषता है और मैं इनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए निश्चित रूप से भाई जी कईयों के लिए प्रेरणा श्रोत है आदरणीय भाई जी ओम शांति आप सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति मुस्कुरा कर कहिए थोड़ा जोश से कहिए बहुत अच्छा नमस्ते एंड गुड इवनिंग इवनिंग गुड है कुछ भी हो कल सवा बारह बजे तक तो गुड करना ही पड़ेगा है कि नहीं <laughs> मुस्कुराना ही है ठीक है ना कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना आज का हमारा जो सायकालीन सत्र का जो विषय है वो है दुआएं कैसे हम लें और दुआएं कैसे हम किसी को दें मुझे बहुत अच्छी एक कहानी याद आती है एक गांव में बहुत सारे घर थे और ऐसा एक आ, जगह था जहाँ दो घर एकदम जुड़े हुए थे नेबर्स थे वो पड़ोसी थे तो एक पड़ोसी क्या करता है उसकी आदत थी सुबह सुबह उठकर, जैसे ही घर से बाहर निकलता है वो आंगन को झाड़ू लगाता है गाँव में तो बड़े आंगन होते हैं आगे भी फिर घर के पीछे भी गार्डन वगैरह होता है तो ये भाई का नियम था सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके आंगन की झाड़ू लगाता था और जो भी कूड़ा करकट होता था वो सब एक टोकरी में भरता था और वो टोकरी लेकर के बाजू वाले पड़ोसी के घर के दरवाजे के बाहर डाल देता था और भागता था वहां से और उसको पता नहीं क्या आनंद आता था दूसरा दिन भी वो वैसे ही करता था एक दिन दो दिन तीन दिन दस दिन पंद्रह दिन एक महीना छ महीना और हर दिन जब वो कचरा डालता था ये पड़ोसी जो है जब उठता था देखता था घर के दरवाजे के सामने कचरा और उसको बहुत प्यार से झाड़ू लगाता था और उसको कूड़ेदान में डाल देता था रिंचक मात्र भी उसके चेहरे में भी ये भाव नहीं आता है कि तुम गलत कर रहे हो एकदम नॉर्मल जैसे कि जैसे कि हवा चलती है तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं वैसे ही सूखे पत्ते गिरे हैं मन में भी किसी के लिए द्वेष भावना नहीं इतना वंडरफुल वो भाई छ महीना लगातार और जो बाजू वाला पड़ोसी है वो देखता था इसके चेहरे का भाव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा मैं कचरा डाल रहा हूँ और देखता हूं ये क्या करता है छः महीने के बाद मौसम में परिवर्तन होता है काल गर्मी का मौसम आता है तो जो पड़ोसी जो साफ सफाई करता था जो अच्छा पड़ोसी था उसके आंगन में बहुत बड़ा आम का पेड़ था और गर्मी में फिर उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम आए एकदम बहुत जूसी बड़े बड़े मीठे आम आए एक दिन ये जो अच्छा पड़ोसी था सुबह सुबह बाजू वाले पड़ोसी के उठने के पहले उठ करके वो मीठे आम तोड़ करके टोकरी भर करके बाजू वाले पड़ोसी के घर में के सामने रख देता जो कचरा डालता था और जैसे ही ये पड़ोसी सुबह उठ के आदती था उसको तो कचरा ही डालना है सुबह जैसे ही दरवाजा खोलता देखता है कि आम से भरा हुआ एक टोकरी और बाजू वाले के आम के पेड़ को देखता तो वहां आम ही नहीं है उसको पता चल जाता है ये वाले पड़ोसी ने मेरे घर को मुझे क्या दिया आम दिया उसको बहुत बुरा लगता है उसको आत्मग्लानी होती है पीला पड़ जाता है चेहरे चेहरा उसको इतना बुरा लगता है कि कितना अच्छा भाई है छ महीने लगातार हर दिन इनके घर के सामने कचरा डाला और ये रिटर्न में क्या दे रहा है मीठे आम से भरा हुआ टोकरी, गॉड माई गॉडी सच अ ही सो वंडरफुल ही सो ह्यूमेन ही सो कंसिडरेट ही सो नाइस महान आत्मा है देवी घराने की आत्मा है विशाल बुद्धि दिल साफ उसको बहुत बुरा लगता है वो तुरंत बाजू वाले पड़ोसी के घर में जाता है दरवाजा खटखटाता है और वो पड़ोसी नींद से उठकर जैसे जैसे रेस्ट कर रहा हो बाहर आता है ये पड़ोसी कहता है भाई साहब मैंने आपको बहुत गलत समझा मैंने बहुत बुरा किया हर दिन आकर आपके पाव पड़ू ना तो भी कम होगा

एक दिन भी आपने चेहरे में भी इरिटेशन नहीं दिखाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है आप साधारण नहीं हो सकते आप महान हैं आप आप डिफरेंट हैं 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 स्पेशल है, यूनिक है। तो वो पड़ोसी कहता है देखो भाई साहब मैं मैं बहुत साधारण व्यक्ति कोई महान आत्मा नहीं हूं कोई मैं विशाल नहीं हूं कोई मेरी विशाल बुद्धि और दिल नहीं है तो ये पड़ोसी कहता है फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता वो बहुत महान व्यक्ति कर सकता है फिर आपने ऐसे क्यों रिटर्न में आम भर करके टोकरी दिया दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का विषय इसी पर है ये पड़ोसी कहता है बहुत साधारण जवाब देता है जिसके पास जो होगा वही देगा ना आपके पास क्या है देने के लिए साधारण परिस्थिति में जब सब अच्छा 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 है और आप भी अच्छा कर रहे हैं उसमें भी दुआएं हैं लेकिन दुआओं का आधार है जब परिस्थिति विषम है जब सामने वाला ठीक नहीं है समाज आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव नहीं है उस वक्त आपकी पॉजिटिविटी जब आप करते हैं और सामने वाले को कैसा फील कराते हैं उससे दुआओं का खाता बढ़ता है वो है दुआओं दुआएं लेने का मुख्य साधन हमारे पास क्या है देने के लिए कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है ऐसा ही है ना भगवान ने धन दिया वो धन मैं अपने ने नहीं, नहीं यूज करके मैं समाज के लिए कर रहा हूँ ठीक है बहुत अच्छी बात धन समय संपत्ति जो भी हमारे पास है रिसोर्सेस हमारे पास क्या है दोस्तों और हमारे पास एक चीज जो हम सबके पास है जो हम हर पल विपरीत परिस्थितियों में और दुआएं दुआएं कमाने के लिए एक चीज मेरा ऑब्जर्वेशन है आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं मैंने ऐसा पाया कि गिरीश भाई को सब पसंद करते हैं क्योंकि दूर से आपने मुझे देखा है मेरे लिए अगर समाज सेवा भाषण करना है मान लीजिए तो गिरीश भाई तो बहुत अच्छी समाज सेवा करते सबको खुश कर देते हैं सारी दुनिया गिरीश भाई के साथ सेल्फी फोटो गिरीश भाई एक फोटो आपको जानना है ना दुआएं किसके साथ कमाना है अगर जानना चाहते हो कि ये गिरीश भाई दुआओं के लायक है या नहीं है तो मेरी पत्नी को पूछिए वो बताएंगी। कैसे हैं? सारी दुनिया के लिए इतने अच्छे पंद्रह साल हो गया शादी को एक कप चाय नहीं पिलाया सुबह कब काय की दुआएं दोस्तों दुआएं रियल दुआएं उनसे लेना सर्टिफिकेट है जो आपके साथ रहते समाज वाले तो आपके महान कार्य को बहुत कहेंगे साहब आप बहुत अच्छे हैं बहुत भाग्यशाली हैं आप क्या वंडरफुल व्यक्ति हैं क्या आप भाषण करते हैं क्या आप समाज सेवा करते हैं क्या आपका बड़ा दिल है घर वालों से पूछेंगे तो असलियत पता चलेगा कैसे हैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं आप तो बहुत अच्छे हैं <laughs> आप तो नजदीक वालों से भी दुआएं और दूर वालों से भी दुआएं क्योंकि जो नजदीक होते हैं ना वहां पर हम दुआओं को सेक्रीफाइस कर देते वहां हमारा असली जो स्वभाव है गुस्से वहां सारी दुनिया में जैसे दीदी -दी कह रहे थे ना इतने नम्र है गिरीशाई ओहो पब्लिक में तो सब नम्र ही हैं, आप हमारे माता पिता को भाई बहन को जो मेरे साथ रहते हैं सेवाधारी उनको पूछें अगर वो सर्टिफिकेट दे सके कि सचमुच जैसे ये समाज में लोगों के बीच जैसे हैं वैसे ही घर में भी हैं तो दुआओं के हकदार हैं अपनों के साथ जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा क्लोज का रिलेशनशिप हमारे स्वभाव संस्कार का टकराव होता है वहां दुआएं कमाना और उसके लिए बहुत सिंपल ईश्वर परमात्मा हमको बताते हैं बच्चे आप अपने स्वधर्म में रहो स्वयं का स्वभाव समाज सेवा के पीछे भी भाव क्या है इंटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम मान शान रुतबा स्टेटस फोटो अवार्ड उद्देश्य है या सचमुच में हम चाहते हैं कि हम किसी के जीवन में थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन लाए भाव स्वयं का भाव और ये स्वयं का भाव की एक विशेषता है और जितना ज्यादा मैं ये स्वयं के भाव के कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में उसके औरिजनैलिटी yeah, में रहता हूँ ऑटोमेटिकली दुआएं प्राप्त होंगी मुझे याद आता है स्वभाव के बारे में हमारी ब्रह्मा कुमारी एक दीदी हैं वो बहुत अच्छी एक बात सुनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ठीक है मैं उसको थोड़ा सा एक एक्सपीरियशल फॉर्म में सुनाता हूँ आज की बात नहीं कर रहा हूँ आज तो हर चीज़ डोर डिलीवरी हो जाती है आज से तीस चालीस साल पहले जब मैं छोटा था तो उस जमाने में हमारी जो माताएं होती थी ना वो सब्जी मार्केट में जाती थी सब्जी खरीदने के लिए और पैसों का वैसे भी प्रॉब्लम होता था बहुत ज़्यादा रिच तो थे नहीं तो हमारी जो माताएं होती थी ना माता जी वो एक एक रुपए बचाती थी बार्गेन करती थी सब्जी खरीदने में तो जब मैं भी उनके साथ जाता था तो हमारी माता जी पता है क्या करती थी सब्जी मार्केट में जाएंगे सब्जी वाले को बोलेंगे भैया टमाटर कैसे दिए तो सब्जी वाला कहता है बहन जी बीस रुपये किलो तो पता है हमारी माता जी क्या कहती अरे ये तो बहुत ज़्यादा है मैं तो हमेशा तुमसे ही लेती हूँ थोड़ा तो कम करो और वो सब्जी वाला उनको देखता है बोले लगता तो नहीं है हमेशा लेते तो पहली बार देख रहे अब पैसे बचाने के लिए हमारी माता युक्ति भी रचती थी और माता जी कहती नहीं हमेशा लेती हूँ थोड़ा तो कम करो उन्होंने कहा माता जी बोनी का टाइम है सुबह सुबह एक रुपए कम कर देता हूँ उन्नीस में ले ली अरे उन्नीस भी बहुत ज़्यादा है तो अच्छा चलो ठीक है दो रुपए कम कर देता हूँ अठारह रुपए अठारह नहीं थोड़ा और कम करो सब्जी वाला कहता है आपको कितने में चाहिए तो माता जी कहते हैं पंद्रह रुपये में सब्जी वाला कहता है बहन जी पंद्रह में तो मैं लेकर आता हूँ होलसेल रेट में अगर मैं दो रुपये नहीं कमाऊँगा तो मुझे क्या फ़ायदा चलो ना आपका ना मेरा सत्रह रुपये कर दो माता जी कहती है नहीं फाइनल बताओ पंद्रह तो मैं लेती हूँ तो सब्जी वाला कहता है ठीक है छोड़ो भाई माता जी इतना बोल रही है तो बोला हाँ कितना किलो दूँ अब ये बीस से पंद्रह में लाने में माता जी को आधा घंटे लग गए उस समय टाइम भी बहुत <laughs> आजकल तो टाइम ही नहीं है आई तो, मीन I mean, उस समय तो बहुत टाइम होता था आई I मीन mean, तो सब्जी वाला कहता माता जी कितना दू तो माता जी कहते हैं बताती हूँ और चार जगह जाके पूछेंगी अभी तो बार्गेन किया है फिर डील फाइनल नहीं किया पंद्रह में आने में आधा घंटा और चार जगह जाकर बात करेंगी दूसरे सब्जी वाले के पास गई सेम डायलॉग भैया कैसे दिए टमाटर वो सब्जी वाले ने कहा बीस रुपए अरे मैं तो हमेशा तुमसे ही लेती हूँ मतलब सारे सब्जी वालों से माता जी हमेशा ही लेती है बोला कैसे दिए उन्होंने कहा बीस रुपए किलो बोला अरे ये तो बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा कम करो तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आपको कम करने के लिए आप बोल रहे हैं तो कोशिश कर सकता हूँ लेकिन कम नहीं करूंगा बीस रुपए तो माता जी ने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो सब्जी वाले ने कहा माता जी सुबह सुबह का टाइम है दिमाग नहीं खराब करो लेना है तो लो नहीं तो आगे जाओ बीस रुपये से एक रुपये कम नहीं करूँगा माता जी ने कहा अरे इतने कड़क हो क्यों बोल रहे हो थोड़ा प्यार से बोलो ना तो बोला हाँ प्यार से बोल रहा हूँ लेना है तो लो नहीं तो आगे जाओ एक रुपये कम नहीं करूँगा माता जी ने कहा अरे वो बाजू वाला तो चौदह रुपये में देने के लिए उसमें भी एक रुपए कम डील पंद्रह में फाइनल हुआ था उसमें भी एक रुपए कम करके बोल रही कि वो तो चौदह में फाइनल हुआ था आप तो एक रुपए भी कम नहीं कर सब्जी वाला कहता तो वहीं से ले लो ना यहां क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो और सब्जी वाला फाइनली एक स्टेटमेंट कहता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेना है तो लीजिए नहीं तो आगे जाइए गारंटी करता हूं एक टमाटर भी अगर खराब होगा तो जो एक किलो टमाटर ना वो भी आप रख लेना जो बीस रुपये आप देंगे ना वो भी मैं आपको वापस करूंगा उल्टा मैं अपनी जेब से बीस रुपये आपको दूंगा अगर एक टमाटर भी खराब निकलेगा तो दोस्तों कौन सा टमाटर आप लेंगे पंद्रह रुपये वाला या बीस रुपये वाला गारंटी है खराब नहीं होगा बात तो बराबर ही हो जाएगा अगर पंद्रह में लो दो चार टमाटर ख़राब हो गए तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है अल्टीमेटली इट्स द सेम और हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है वो बीस रुपये वाला ही लेती हैं अब है पते की बात हमारे पास है क्या देने के लिए वो स्वयं का भाव जिस चीज का क्वालिटी अच्छा होता है खराब नहीं होता है उसका भाव ऊपर नीचे नहीं होता है वो स्टैंडर्ड रहता है मेरा अगर आत्मा का स्वयं का भाव अगर समय अनुसार ऊपर नीचे अच्छों के लिए अच्छा बुरे के लिए बुरा मेरा मूड खराब तो क्रोध अच्छा है तो प्यार अब आपका भाव कई लोग तो यह भी कह देते हैं मेरा तो स्वभाव ही है गुस्सा करने का अगर मेरा भाव ऊपर नीचे हो रहा है मतलब क्वालिटी अच्छी जोर से बोलिए नहीं है सही सेवा और दुआएं लेना और दुआएं देने के लिए अंदर का भाव समान सदा ऊंचा और श्रेष्ठ होना चाहिए परिस्थिति अनुसार आपको कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं कोई आपको गाली दे अपमान कर दे आपके पीठ पीछे चुगली कर दे तो मेरा मूड खराब मैंने भी उनके लिए दो चार सुना दिया तो मेरा अगर भाव ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब जो स्व है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है अंदर तो फिर हम क्या देंगे वही दूंगा ना जो अंदर है जो मेरे पास है तो मैं सामने वाले को फिर अच्छा फील नहीं करा सकता हूं इसीलिए दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए अपने ओरिजिनल स्वभाव में सदा रहना बहुत जरूरी है इसके लिए बाहर की बातों से प्रभावित कम होना है और जितना ज्यादा हम इन चीजों से प्रभावित होंगे फिर प्रॉब्लम होगा एक जो चीज़ हमें प्रभावित करता है दोस्तों जिसके कारण हम दुआएं ले भी नहीं पाते हैं और दुआएं नहीं दे पाते हैं, वो है हमारी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन नहीं भी होता है लेकिन इतना मिल जाता है बैट भी मिल गया फूलों का गुलदस्ता भी मिल गया इतना अच्छा शेर शायरी भी मिल गया जो कभी नहीं मिलता तो हमको तो बड़ा अच्छा लगता है मिल गया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन मिल गया लेकिन अपनों के साथ घर वालों के साथ हमारी उनसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है और उन अपेक्षाओं को वो जब मैच नहीं कर पाते ना दुआएं तो बहुत दूर की बात है फिर कभी कभी बदुआएं भी निकल जाती हैं कभी कभी हमारे मुख से उनके लिए नेगेटिव वचन भी निकल जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फिर हम दुआओं के पात्र तो नहीं बन सकते और ये एक्सपेक्टेशन क्यों शुरू होता है मैं माफी चाहूंगा ये सब हमारा गलत प्रोग्रामिंग है जो गलत है जो झूठ है जो असत्य है लेकिन हमें लगता है वो सत्य है ये बचपन से लेकर अभी तक ये सब बातों को हमने देखा अनुभव किया सुना समझा और उसी को हमने सत्य मान लिया जो झूठ है लगता सत्य है उसके आधार से जब हम जीवन चलाते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो फिर हम दुआओं के पात्र नहीं बन सकते एक्सपेक्टेशन झूठ है गलत है जीवन का आधार कभी भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ संबंधों में मधुरता के लिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा मधुरता को कायम नहीं कर सकता है अब लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आता कहां से है बना कहां से आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं जब मेरी शादी की बात चल रही थी मैं 25-26 वर्ष का था म, माता प, पिता ने कहा शादी करो शादी करो शादी करो और मैं ना 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 कर रहा था एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ लोग मन ही मन सोच रहे आपकी शादी भी हो गई है और इतने खुश कैसे रह सकते हो ठीक है

प्रोग्रामिंग कर दिया माता जी ने कहा बेटा शादी करोगे ना तो वो तुझे प्यार करेगी वो तुझे संभालेगी वो तेरे जीवन को सवारेगी वो सब कर लेगी मैंने कहा यार डील तो बहुत अच्छा है मुझे कुछ नहीं करना मैंने तुरंत हाँ कर दिया मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया मुझे तो लग रहा था बहुत जिम्मेवारी वाली बात अब कमाल की बात बताऊं विडंबना क्या है जिस लड़की से मेरी शादी हुई उसकी माताजी ने भी उसको वही बताया वो भी शादी नहीं कर रही थी और नहीं करूंगी नहीं करूंगी माता ने उनकी माता ने उनको फोर्स किया तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया एक दिन कैजुअली क्यों करूं लड़की की मां ने कहा तेरा पति तुझे कंप्लीट बनाएगा तेरा पति तुझे सदा प्रोटेक्ट करेगा योर पति विल लव यू योर पति विल मेक यू कंप्लीट उसने कहा डील बहुत अच्छा है कुछ करने का नहीं वही करेगा सब आज शादी के पंद्रह साल हो गए मैं इंतजार कर रहा हूं वो कुछ करे और वो भी इंतजार कर रही कि ये कुछ करे। हम संबंध में जा रहे हैं अनुसार अगर सामने वाले ने नहीं किया तो मुझे इरिटेशन आएगा अब मेरा स्वभाव क्या है अब मेरे पास देने के लिए कचरा है या फिर आम है मीठे आम है और फिर हम बहुत अच्छी तरह करते तुमने पहले कचरा डाला था दुनिया वाले कचरा डालेंगे तो ओम शांति बहुत अच्छा कोई बात नहीं हम साफ कर लेंगे हम समाज सेवक है आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं और घर वालों के लिए बच्चों के लिए पत्नी के लिए हमारा सब गलत भाव आ जाता है ये और नो दुआओं का सर्टिफिकेट लेना है तो सबसे पहले अपने नजदीक वालों का और उसके लिए आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ होना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि परमात्मा सोर्स है सोर्स है सूर्य है किसका शांति का सुख का आनंद का प्रेम का जो अच्छी भाव है और इस भाव को सदा कायम रखना ही सत्य है आत्मा सत्य है दोस्तों परमात्मा सत्य है जो अविनाशी है जो सदा है वो सत्य है जो एक है अलग अलग नहीं हो सकता आपके लिए एक सत्य मेरे लिए एक सत्य नहीं हो सकता फिर वो सत्य नहीं है ट्रुथ कैन नॉट बी टू ट्रुथ इज ऑलवेज वन आपका रंग अलग मेरा रंग अलग आपकी भाषा अलग मेरा भाषा अलग लेकिन आत्मिक लेवल पर आप भी शांत स्वरूप मैं भी शांत स्वरूप आपका सिम कार्ड और मेरा सिम कार्ड का साइज सेम आपका हैंडसेट सैमसंग का मेरा एप्पल का किसी का किसी और का नोकिया का किसी का छोटा किसी का मोटा किसी का सफेद किसी का ब्लैक ऐसे ही शरीर अलग अलग हो सकता है भाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन आत्मा का स्वभाव सदा और सब के लिए समान उसके आधार पर सदा जीवन जीना वो सत्य है उससे हमको दुआएं प्राप्त हो जाएंगी बस लास्ट बात बताता हूँ दोस्तों दुआओं को प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्थिति में रहना आत्मा का अनुभव करना कार्य क्षेत्र में जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करिए एक बार एक राजा जो थे ना उनको मेडिटेशन सीखने की धुन लगी वो एक आश्रम में गए गुरु के पास बोला गुरु जी आपका नाम सुना है मुझे मेडिटेशन सिखाओ बोलो बैठ जाइए सिखाता हूँ बाकी शिष्यों के साथ राजा को भी बिठा दिया और सिखाना शुरू किया थोड़ी देर में मौसम थोड़ा सा बदल गया हवा चलने लगी तेज और गुरु जो थे वो ध्यान मग्न थे शिष्य और वो राजा भी ध्यान मग्न और हवाओं का रुख चेंज हुआ और थोड़ा आंधी तूफान का शेप हो गया पेड़ हिलने लगे टाल टालिया झूमने लगा पंछी इधर उधर भागने लगे ये देखते ही देखते कुछ उनके शिष्य भी देखे वो भी उठ के भागे आंधी तूफान और उग्र रूप ले लिया वो जो आश्रम में जितने झोपड़ी थे उसके छत उड़ने लगे आवाज जोर से आने लगा बिजली कड़कने लगी और उसके शिष्य उठ के भागे राजन ने भी आंख खोल के देखा बोला कोई नहीं मैं अकेला और गुरु बोला, भागो वो भी भागा और जब आंधी तूफान थमा तो गुरु जी वैसे के वैसे शिष्य आए और थोड़ी देर के बाद वो गुरु जी ने भी अपनी आंखें खोली राजा ने कहा गुरु जी आप बड़े वंडरफुल व्यक्ति हो क्या आपकी योग तपस्या है इतना बाहर हलचल और आप ध्यान मग्न बैठे थे आपने क्या किया तो गुरु ने उनको बहुत अच्छी बात कही गुरु ने कहा जब आंधी तूफान आए तो सब भागे पेड़ पंछी भी भागे जानवर भी भागे शिष्य भी भागा राजन तुम भी भागे तो उसने कहा बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी ने कहा मैं भी भागा बोला नहीं गुरुजी, आप तो बैठे थे कहां भागे हम सब भागे आप तो बैठे थे गुरुजी ने कहा नहीं नहीं सब भागे और मैं भी भागा बस अंतर इतना है सब बाहर भागे मैं अंदर भागा भीतर की ओर भागा आपको कहाँ भागना है वो डिसाइड करेगा दुआओं के पात्र हैं या नहीं है आप अगर बाहर भाग रहे हैं तो मान के चलिए वहां ऊपर नीचे स्थिति में अंदर का स्वभाव जो सदा शांत रहना है वो हलचल में आ जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा मेडिटेशन हमको भीतर लेकर जाता है साइलेंस जितना हम साइलेंस और उसका अभ्यास हम करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मुख से हमारे विचारों से हमारे कर्म से शांति स्नेह सम्मान ऑटोमेटिकली हम दुआओं के पात्र बन जाएंगे ठीक है तो सुबह का होमवर्क याद है क्या करना है मुस्कुराना है बस एक लास्ट चीज़ पूछ लेता हूँ ठीक है जवाब दीजिएगा खुशी के खुशी के लिए जीना है ऑप्शन वन पैसों के लिए जीना है ऑप्शन टू नाम मान शान के लिए जीना है ऑप्शन थ्री तीनों को भी टिक कर सकते हैं किसी एक को भी कर सकते हैं बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है अच्छा खुशी के लिए जो खुशी के लिए जीना चाहते हैं हाथों पर उठाइए क्या बात है बहुत अच्छा और इसके अलावा भी किसी का उत्तर है जो पैसों के लिए जीना चाहते हैं हाथों पर उठाएं ठीक है जो अच्छा एक है भाई साहब हाँ बहुत अच्छे जो जो नाम मान शान के लिए जीना चाहते हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाए अच्छा हाँ दो चार लोग है बहुत है। जो तीनों के लिए जीना चाहते अच्छा ऐसे भी हैं और सबसे अंतिम और खतरनाक प्रश्न जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है वो कौन सा कैटेगरी है वो बता दीजिए ठीक है वो इतने महान कैटेगरी हैं वो बोले पूरा सुनने के बाद जाने के टाइम पर बताएंगे भाई हम क्या किसके <laughs> भाई साहब कुछ हाँ जी खाना खाने के लिए जीना चाहते <laughs> बहुत अच्छा वेरी गुड चलिए दोस्तों आप बहुत अच्छे हैं इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जाने से पहले मैं आपको पेपर दूंगा इसमें अपना घर का पता फोन नंबर ईमेल आईडी मुझे दे दीजिएगा मैं आपके घर आना चाहूँगा आ जाऊँ क्या बात है वाह तैयारी करेंगे मेरे आने के लिए खाना वाना बनाएंगे वैसे आपको सच बता देता हूँ मैं खाने पीने वाले में से नहीं हूँ ठीक है ना मैं मेरे को इतना पसंद भी नहीं है खाना पीना लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी मैं फ़ोन करके आऊँगा समय ज़रूर दूंगा आपको तैयारी माताओं को अलग तैयारी करनी है भाइयों को अलग तैयारी करना है बताऊँ क्या तैयारी करनी है टाइम दूंगा आपको मैं फ़ोन करके आऊँगा आपको हाँ जी मैं फोन करके आऊँगा विशेष माताओं को क्या करना है घर में जितने भी सोना हीरा मोती जो भी है आपका ज्वेलरी आइटम वो सब बाहर निकाल के रखना घर में जितना कैश है वो भी बाहर निकाल के रखना भाइयों जो भी आपका क्या बोलते हैं पास चेकबुक होगा ना सब में साइन करके रखना अमाउंट मैं भरूंगा जितना आपका अचल और दूसरा प्रॉपर्टी है वो सब पावर ऑफ अटोर्नी मेरे नाम पर करके देना क्योंकि मैंने आपको पूछा खुशी के लिए जीना है पैसों के लिए जीना है नाम मान छान के लिए सब ने कहा पैसों के लिए जीना है सॉरी खुशी के लिए जीना है पैसे तो आपको चाहिए नहीं वो सब मैं लेके जाऊंगा और आपको बहुत खुशियां देकर जाऊंगा पता है ताली क्यों बजा रहे हैं अच्छा हुआ पहले ही बता दिया एड्रेस देने के <laughs> आप बहुत स्मार्ट हैं ठीक है ना अच्छे समाज सेवक है दोस्तों एक और बार प्रश्न पूछूं बच्चा जब खेलता है ना और पहला वाला गेम हार जाता है ना तो अपने साथी को कहता है ये तो प्रैक्टिस चल रहा था अभी ये तो काउंट नहीं होगा अगले वाले से काउंट होगा तो अभी एक्चुअल वाला गेम खेलते ठीक है ठीके? सोच समझ के जवाब दीजिए नहीं तो मैं आपके घर आ जाऊंगा खुशी के लिए जीना है पैसों के लिए जीना है नाम मान शान के लिए जीना है तीनों जो तीनों के लिए जीना चाहते हाथ ऊपर उठा दीजिए बहुत अच्छे संख्या बढ़ गई है बोला भैया मेहनत की है अब तुम आके क्यों लेके जाओगे हाँ पैसों की भी जरूरत है चलिए अब मैं आपको आध्यात्मिक उत्तर देता हूं ठीक है अभी भी आपका उत्तर करेक्ट नहीं है इसमें गलती आपकी नहीं है आपका उत्तर इसीलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि मेरा प्रश्न गलत था हाँ आप तो अच्छा लग रहा है ठीक है ना मैं प्रश्न में सुधार लेकर आ जाता हूं लाऊ दो बातें ऑप्शन है एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है एक अप्रोप्रिएट है एक इन है एप्सल्यूटली सत्य और असत्य है एक सही है और एक गलत है पहला ऑप्शन खुशी के लिए जीना दूसरा ऑप्शन खुशी खुशी के साथ जीना जो खुशी के लिए जीना चाहते हैं हाथों पर उठाइए क्या बात है पहले तो आपने बहुत हाँ पर उठाया था दोस्तों आप बहुत अच्छा। अपने लिए जोर से ताली बजाइए पता है क्यों ताली बजवाए गौतम बुद्धा को भी बुद्धा बनने में वक्त लग गया था आपको तो दो सेकंड में ज्ञान की प्राप्ति हो गई आपको इतना अच्छी जल्दी रियलाइज हो गया कि पहले गलत बोला था अभी सही है आप लोग महान है दोस्तों खुशी के साथ जीना सत्य है खुशी के साथ जीना मतलब स्वभाव को सदा बना के रखना उसमें कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना व्यक्ति सही हो गलत हो फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो मुझे खुशी के साथ उसके साथ बात करना है खुशी के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करना है खुशी के साथ उसकी सेवा करनी है खुशी के साथ उसकी गाली सुननी है खुशी के साथ उसको समझाना है खुशी और कोई ऑप्शन नहीं है ये है दुआएं लेना और दुआएं देने का सबसे अच्छा साधन तो आज से कैसे जिएंगे खुशी के साथ और खुशी के साथ जीना मतलब अभी मैं खुश हूं खुशी के लिए जीना मतलब कल खुश होऊंगा जब परिस्थिति अच्छी होगी सामने वाला अच्छा अभी तो मैं खुश नहीं हूं दुआओं दे दुआओं को प्राप्त करने का सबसे सहज साधन है आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ सदा रहकर व्यवहार में आना बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ओम शांति भाई साहब दूसरों के खुशी के साथ जीना आसान है दूसरों के कमी कमजोरी के साथ भी खुद खुश रहना वो दुआएं बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई जी का आपने हमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी युक्तियाँ बताई हैं जिससे हम बहुत सहज तरीके से दुआएं कमा सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने व्यवहार को बहुत पॉजिटिव बनाकर रखना है क्वालिटी हमें अपने भीतर की क्वालिटी को इतना बढ़ा कर देना है कि हमारा भावना परिस्थिति के अनुसार बदले और इसके लिए आपने हमें बताया कि हमें अपने स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे उतना ही हम बाहर की परिस्थिति के प्रभाव से भी अपने आप को सेफ रखेंगे और फिर आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अपेक्षाएं नहीं रखनी है और जैसा कि शिव बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है कि चैरिटी बिगिनस एट होम पहले घर से शुरुआत करनी है इसलिए दुआएं जो हमें कमाना है वो पहले अपनों से कमाना है तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी को जो टुंगरपुर और उदयपुर की डायरेक्टर हैं बीके सेंटर्स संभाल रहे हैं दीदी पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और पिछले 40 वर्षों से आप परमात्मा के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके मानव सेवा विश्व सेवा में अग्रसर हैं आपका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य है और मीठी बोली आपकी पहचान है आपके जीवन का जो ध्येय है मैं उन्हें कुछ शब्दों में कहना चाहूँगी कि दिल में हमने ठान लिया है जीवन का मकसद जान लिया है मानवता को पहचान लिया है स्व और समाज सेवा ही धर्म हमने मान लिया है आदरणीय विजया दीदी जी ओम शांति ओम शांति ओम शांति सर्वश्रेष्ठ समाज के निर्माता दिव्य ज्योति परम ज्योति परमात्मा के प्रिय संतान श्रेष्ठ समाज की सेवा में तत्पर आदरणीय आशा जी, 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 बहन जी आदरणीय गिरीश भाई जी आदरणीय जगदीश जी एवं प्यारी बहन अंकिता साथ साथ श्रेष्ठ समाज के निर्माण में अपने जीवन को समर्पित करने वाली मेरी प्यारी बहने और प्रिय भाइयों बहनों वैसे आज का बहुत सुंदर टॉपिक और बड़े रमणीक ढंग से हमने सुना और सुनते सुनते सभी ने ठान ही लिया होगा कि हमको दुआएं कैसे कलेक्ट करना वैसे अगर देखा जाए दुआएं देना और दुआएं लेना सहज नहीं है आज के ज़माने में हाँ अगर कुछ बातों को समझ लें तो बहुत इजी है वैसे तो हम पल पल दुआ की बात बद की बात करते हैं चलते चलते थोड़ा सा ठोकर खा लेते हैं तो क्या कहते हैं पता नहीं किसकी बद लगी है ना ऐसे कहते हैं हाँ अचानक कोई बात ऐसी आती है हम सेफ हो जाते हैं तो हम कहते हैं न जाने किसकी दुआएं मेरे सामने आ गई दुआएं आके खड़ी हो गई ये तो कॉमन बात है ना और अगर हम देखें कि हम बचपन से अनुभव करते आए छोटे बच्चे थे तब भी क्या करते हैं बड़ों के पैर छूते हैं तो वो लोग हमें दुआएं देते हैं और मैं अभी राजस्थान में सेवारत हूँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रथाएं कि बहू को कंपलसरी पैर छूने पड़ते हैं अपने से के, वो किसी से बने या ना बने परंतु पैर तो छूने ही पड़ते हैं और वो दुआएं भी देते हैं भले मुंह फेर के भी कह देंगे खुश रहो सुखी रहो ये दुआएं देते हैं तो भला ये दुआएं क्या असर करती होंगी बोल तो रहे हैं खुश रहो संपन्न रहो बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं लेकिन वो बोलने का असर क्या सच में होता होगा तो इसीलिए मैंने कहा कि दुआएं देना लेना आसान नहीं है लेकिन दुआएं निकलवाना बड़ा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है निकलवाएं तब वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे तो कैसे होगा क्योंकि आप अपने घर में ही देख लीजिए आपका बच्चा आपने कुछ आवाज़ दिया दो बच्चे हैं बच्चे को कहा बेटा थोड़ा पानी लाना तो आपको मालूम है कौन सा बच्चा पानी लाएगा कौन सा बच्चा थोड़ा सा आना कानी करें मालूम है ना तब हम क्या करते हैं जो पानी ला के देगा अर्थात तुरंत आपका कहना मानेगा उसको हम क्या कहते हैं ये तो मानेगा मालूम है दूसरे के लिए क्या कहेंगे ये तो सुनने वाला नहीं तो आप देखिए आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना हम तो नहीं कहेंगे लेकिन हम क्या सोच रहे हैं तो जैसे अभी भैया ने कहा कि सब बातों को क्या करना है दुआएं कैसे क्यों न मानने वाले बच्चे के लिए भी हमारे से निकले कि ये बच्चा बड़ा होशियार है थोड़ा सा वो दूसरे भाई पे छोड़ रहा है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है समझदार है थोड़ा सा बचना चाह रहा अगर थोड़ा भी सोच लें तो निश्चित रूप से उसको बदुआ नहीं मिलेगी दुआ मिलेगी तो इसलिए हम सारे दिन की दिनचर्या में अपने आप को चेक कर लें कि हम सारे दिन में चाहे अपने आप के लिए चाहे अपने परिवार के लिए कितनी दुआएं देते हैं और कितनी दुआओं से बचाते हैं। मैं वो शब्द तो नहीं कहूँगी लेकिन दुआओं से बचा देते हैं तो अगर ये हम थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें तो सच में पहले अपने आप के लिए हम दुआएं दे लेंगे अपने परिवार को हम दुआएं देंगे जब हम अपने परिवार को दुआएं देंगे तो निश्चित रूप से हमको दूसरों को भी दुआएं देना आ जाएगा वैसे तो अगर देखा जाए समाज सेवी संसार में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा दुआएं कलेक्ट करने वाले समाज सेवी है या नहीं क्योंकि समाज की सेवा करते हैं किसको क्या चाहिए आप अन्न देंगे वस्त्र देंगे आप स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देंगे पढ़ाने के लिए बुक्स बांटेंगे या फीस भरेंगे किसी को विद्या दान करेंगे अन्न दान करेंगे वस्त्र दान करेंगे किसी को छत का सहारा दिलाएंगे कुछ भी करेंगे आवश्यक चीज़ें आप दिलाएंगे तो आपको बड़ी संतुष्टि होती है। खुशी होती है ना कि हमने ये दिया तो वो आपको दुआएं मिलेंगे लेकिन ये देने के साथ साथ मेरा भाव कौन सा था दो बातें एक होता है मुझे फोटो में आना है नाम मान शान चाहिए जैसे अभी भैया हाँ, हाथ उठवा रहे थे सब उठा रहे थे कई लोग कह रहे थे हाँ नाम मान शान के लिए जीना तो ये जब हमारे अंदर आता है तो हमारा किया हुआ दुआएं वो नाम मान शान तक ही रह जाती है आगे वक्त पे जो काम आना चाहिए वो नहीं आएगा मान शान तो मिल ही जाएगा तो क्या हमको वहाँ तक ही सीमित रखना है या जीवन में वो हमारे साथ चले वक्त पे काम आए ये हमें टेक्टिकल में करना वो अपने आप को ही सोचना है दूसरी बात हमने ये सेवाएं तो किया करने के साथ साथ क्या हमने जिनकी सेवाएं की क्या उनको एक सच्चरित्रवान बनाया ऐसे तो नहीं हमने किसी असहाय को पैरों पे खड़ा कर दिया अच्छा ज्ञान दिया पढ़ाई पढ़ाई कुछ तो करके वो उसका आजीविका चला रहा परंतु क्या उसमें नैतिकता है कहीं वो उल्टा सुल्टा काम तो नहीं करता अगर ऐसा है तो वो जो उल्टा कर रहा गलत कर रहा उसका भी असर हमारे पे आएगा तो क्या हमने ये सोचा दुआएँ लेने का काम तो किया क्या सच में इस काम से हमें दुआएं प्राप्त हो रही ये हमें सोच समझ के करना है अगर उसके लिए हमें आध्यात्मिकता को अपना करके उनको थोड़ा मार्गदर्शाएँ आध्यात्मिक रास्ता बताएँ तो निश्चित रूप से वो दुआएं हमारे खाते में जमा हो ही जाएंगी अब दूसरी बात दुआएं हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं देखिए मैंने कहा दुआएं देना लेना आसान नहीं है है ना थोड़ी मेहनत करनी निकलवानी है तो दुआएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं दे सकते हैं मुझे लेने की दुआएं लेने की भावना रखूं तो कभी नहीं मिलेगी परंतु मैं दुआएं देती जाऊं देती जाऊं तो दुआएं देने के लिए मुझे पहली बात साफ दिल चाहिए बड़ी दिल चाहिए साफ दिल क्यों क्योंकि दुआएं मुझे सोच समझ के इसको देना इसको नहीं देना वो तो काम नहीं करना है ना दुआएं तो सभी को देना है चाहे वो मुझे स्नेह सम सम्मान चाहे ग्लानी करें दोनों को ही दुआएं देनी है मीन हर किसी को दुआएं देनी है तो उसके लिए साफ दिल होना बहुत जरूरी है और बड़ी दिल होना बहुत जरूरी है लेकिन ये इंसान के लिए अगर हम देखें देखो हर चीज से हम कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं करते हैं या नहीं ये पंखा चल रहा अचानक बंद हो जाए लाइट बंद हो जाए तो परेशान होएंगे परंतु वो चीज़ें हमें निरंतर दे रही हैं हवा हमें दे रही हैं हर चीज़ स्थूल जो भी नज़र आने वाली चीज़ हमें कुछ न कुछ दे रही है परंतु वो स्थूल चीज़ें हमसे कभी चाहना नहीं रखती कि ये भी हमें कुछ दे रखती हैं क्या नहीं परंतु इंसान देने के साथ लेने की चाहना रखता तो इसलिए हम लेने की चाहना न रखें बड़ी दिल होकर के साफ दिल अर्थात कोई कैसे भी हो सबके प्रति मेरे अंदर हर एक के प्रति पॉजिटिवनेस हो हर एक के प्रति वो कैसे भी हो उसके प्रति मेरे अंदर नेगेटिव का कचरा न हो स्वच्छता का पॉजिटिवनेस हो तब हमारे अंदर से शुभ शुभ कामनाएं निकलती हैं कोई कैसे भी हो उसका भी भला हो उसका भी अच्छा हो तो उसके लिए साफ दिल बड़ी दिल विशाल दिल क्योंकि वो विशाल दिल कब होंगी जब हमारे पास भरपूर हो जब हमारे पास वो चीज़ उसका स्टॉक भरपूर है तब हम दे सकते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हो शुभ चिंतन हो अंदर ये क्वालिटी भरी हुई हो तब हम किसी के प्रति शुभ या जिसको दुआएं कहते हैं हम दे सकते हैं। तो उसके लिए आध्यात्मिकता की ज़रूरत है क्योंकि हम अच्छे के साथ दुआएं देंगे आशीर्वाद देंगे वो तो इजी है, परंतु जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ विपरीत चल रहे हैं उन्हों के लिए हमारे दिल से दुआएं निकले दिल से दुआएं निकले वो कब हो सकता है आसान नहीं है परंतु आसान तरीका आध्यात्मिकता सिखाती है वो कौन सा है कि पहली बात हम समझें कि हर एक आजकल दो तीन दिन से जो आप लोग सुनते आ रहे हैं अभी हमारे गिरीश भाई जी ने भी बताया कि हमारे ओरिजिनल स्वभाव स्व स्व के भाव को जानने के लिए स्व को जानना कि हम वास्तव में कौन है इस शरीर को तो हम देख रहे हैं इसको हम समझ बैठे हैं इस नश्वर शरीर में रहने वाली हम एक अविनाशी आत्मा हैं तो हम हर एक के प्रति सोचें ये सभी आत्माएं हैं सभी आत्माएं इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने वाले हैं सभी एक्टर से हर एक एक्टर को एक्ट करने के लिए ये पार्ट मिला हुआ है वो अपनी रीति से अपना एक्ट बहुत परफेक्ट निभा रहा है जब हमारे अंदर ये जागृति आती है हर एक का अपना अपना रोल है वो अपना अपना रोल एक्यूरेट निभा रहे हैं इसलिए वो जैसे भी हैं उसके प्रति क्यों क्या कैसे के बजाय मेरा रोल क्या है मुझे फिक्स करना है मुझे केवल सबके लिए दुआएं देना है शुभ सोचना है जब ये बात हमारी बुद्धि में फिट होगा हर एक आत्मा एक्टर है वो अपना अपना रोल सही ढंग से अदा कर रहे हैं तब हमारे दिल से दुआएं निकल सके अब दूसरी बात हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता ही कर्म एक बीज है जैसा बीज बो रहे हैं वही फल हमको मिलना है तो हम किसी से आश क्यों रखें ये मेरे को मान दे सम्मान दे तब मैं इसको करूं ये मेरे लिए अच्छा सोचे मैं इसके लिए अच्छा सोचूं नहीं मेरे को तो श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोते जाना है बोते जाना है क्योंकि वो फसल मुझे ही मिलने वाली है अन्य किसी को नहीं मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिलेगा और किसी को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा जब ये बात मेरे बुद्धि में फिट है तो मैं क्या करूँगी किसी से आश नहीं रखूँगी परंतु तो मुझे जो करना है क्योंकि मुझे जो पाना वही करूँगी और तीसरी बात हम दूसरों से क्या चाहते हैं कोई भी मेरे से कैसा व्यवहार करे वो मैं कैसा चाहूँगी कोई मुझे क्रोध से बात करे गाली गलौज से बात करे मैं पसंद करूँगी बिल्कुल नहीं मुझे कोई भी बात करे तो क्या मुस्कुरा के बात करे चाहूंगी या नहीं या थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बात करें चलेगा होता है ना चलते चलते कोई अपनी धुन में जा रहे हमने मुस्कुरा दिया उन्होंने ध्यान नहीं दिया फिर हमने कहा शांति तो उन्होंने शांति कहा लेकिन उनका वो लहजा अलग था तो हम क्या कहते थोड़ा तो मुस्कुरा के भी नहीं बोला तो मेरा मैंने क्या चाहा सामने वालों से मेरे साथ इनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए मीठा होना चाहिए सम्मानजनक होना चाहिए स्नेह भरा होना चाहिए है या नहीं ऐसा ही चाहते हैं या विपरीत चाहते हैं ऐसा ही चाहते हैं ना तो जब मैं दूसरों से चाहती हूं तो वही मैं दूसरों के साथ करूं मैं जैसे चाह रही हूं मेरे लिए वैसे मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूं अगर ये मैंने सोच लिया मैंने ठान लिया मुझे तो वही व्यवहार करना है जैसे मैं अपने लिए चाहती हूं तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार कैसे होगा सबके प्रति कैसे होगा शुभ भावना वाला होगा स्नेह भरा होगा सम्मानजनक होगा भले वो सामने वाला कैसे भी चले कैसे भी करे तो ऐसी बातों को जब हम अपना लें परंतु ये सहज तो नहीं है ना कहना आसान है करना आसान है हाँ आसान है क्योंकि यहाँ आप सभी आए हैं वो आसान तरीका अपनाने के लिए ही तो आए हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया क्योंकि आप सभी समाज सेवा में किसी न किसी तरह से तत्पर हैं तो सच में समाज सेवी खुद ऐसे खुद का स्वभाव बना लें तब हम दूसरों को भी ऐसे बना सकेंगे तब ही ये सारा संसार ही एक श्रेष्ठ समाज में परिवर्तित होगा इसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ आप सभी को आमंत्रित किया गया है तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं स्वयं की पहचान को जान लेते हैं साथ साथ इस सब बातों को अपनाने के लिए जो पावर चाहिए जो बल चाहिए कहाँ से प्राप्त होगा जब सभी बातों का जो हम जिस तरह की दुआएं चाहते हैं वो दुआओं का भंडार दुआओं का खान निस्वार्थ भाव से दुआओं की वर्षा करने वाला उसको कोई हमारे से इच्छा नहीं वो केवल एक परमपिता परमात्मा है वो सर्व रीति से दुआएं देने वाला है क्योंकि दुआएं हम संबंधों में पा पाए भी और चाहे भी है ना माता पिता से दुआएं, शिक्षक से दुआएं, टीचर गुरु से दुआएं, बड़ों से दुआएं, छोटों से भी दुआएं। हर एक से हमने चाहा भी यथाशक्ति उनसे पाया भी क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है मातपिता पिता की दुआएं लेना ये सिखाया जाता है गुरु की दुआएं लेना ये सिखाया जाता है बड़ों की दुआएं लेना सिखाया जाता दुआएँ लेने के लिए क्या कहते हैं उनको प्रणाम करो झुको उन्होंने कुछ कहा हाजी करके उनकी आज्ञा का पालन करो यही तो हम करते आए परंतु हमने जब प्रेयर किया बचपन से एक ये सभी संबंध किसी और से भी तो चाह वो कौन है तुम्हें हो माताश्य पिता सखा। किसको कहा? एक परमपिता परमात्मा को कहा। तो भाइयों बहनों ये वक्त है। हो से पिता जिसको कहा वो परम पिता परमात्मा माता पिता बंधु सखा स्वामी सदगुरु हर संबंध के रूप से हमें पालना देने का ये संगम का समय चल रहा है तो हर समंधों के रूप से वो हमें दुआओं से भरपूर करेगा उसके लिए हमें उसको पहचान करके उसको जान करके उसको पहचान करके उसका मानना पड़ेगा तभी हम उससे दुआएँ दुआओं से अपने आप को भरपूर कर सकते हैं तो वो सच में आत्मा का मात पिता हैं सच में वो परम शिक्षक हैं परम सदगुरु हैं केवल उसे हमें पहचान करके अपना बुद्धि का योग उस परमेश्वर भगवान से लगाना पड़ेगा जो मेडिटेशन करते हैं जो सहज राज योग हैं वो क्या है स्वयं को पहचान करके स्वयं के पिता को पहचान करके जब हम बुद्धि से उसको याद करते हैं उसकी याद से वो कहते हैं मुझे याद करो अपने को आत्मा समझकर, मुझ पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे हमारे जाने अनजाने किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे हम पुण्यात्मा बनेंगे साथ साथ उसके डायरेक्शन को हम पालन करने से उसकी आज्ञा का पालन करने से उस परमात्मा परम श्रोत के सर्व दुआओं से हम भरपूर हो जाएंगे इतना हम भरपूर हो जाएंगे इतना भरपूर हो जाएंगे केवल उसके एक आदेश का पालन करने से उसके डायरेक्शन को मानने से उसका स्त्री मत का पालन करने से हम इतनी दुआओं से भरपूर होंगे इतना भरपूर होंगे फिर हमें ढाई हजार वर्ष इक्कीस जन्म तक दुआ शब्द की नॉलेज नहीं रहेगी वो इतनी दुआओं से भरपूर हो जाएंगे तो दुआ ब दुआ ये शब्द नहीं होगा क्या हम ऐसे अपने आप को भरपूर करना चाहेंगे इतनी दुआओं से भरपूर हो जाए परमात्मा दुआओं से परमात्मा परिवार की दुआओं से फिर कभी दुआ के लिए सोचना ना पड़े ऐसे है चाहना केवल आध्यात्मिक ज्ञान हमारी संस्था में जो सिखाया जाता ज्ञान यहाँ सीख रहे हैं सवेरे मेडिटेशन क्लास अटेंड कर रहे हैं ये सीख करके आप अपने स्थानों पर जा कर के वहाँ भी हमारे सेवा केंद्र पर जा करके ज्ञान का एक घंटे का आधे घंटे का समय निकाल करके क्लियर अच्छी तरह से उन बातों को समझ लें तो आप इतनी दुआओं से भरपूर हो जाएंगे कि आपको दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं आप खुद दुआओं से भरमार हो करके के आपसे हर पल हर घड़ी दुआएं निकलती रहेंगी हर एक को दुआएं देने वाले दुआओं का खजाना बन जाएंगे भरपूर हो जाएंगे यही हमारी आप सब के प्रति शुभ आश हैं ओम शांति धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारी विजय लक्ष्मी दीदी जी का आपने हमें बताया कि कर्म के पीछे का भाव हमें दवाई देती है, और सबसे बड़ी सेवा है दूसरों को गुण और शक्तियों का दान करना जिससे जीवन भर के लिए उस आत्मा में जागृति हो जाए जो अपना जीवन चलाने में सक्षम रहे साथ साथ साफ़ दिल और बड़े दिल दुआएं कमाने का साधन है अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी से आप अध्यक्ष हैं लॉयंस क्लब कोटा साउथ के नागरिक सुरक्षा के राज्य स्तरीय सम्मान से आप सम्मानित हैं आप जिला संयोजक हैं मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज जागृति संघ के आप राष्ट्रीय स्तर पत्रिकाओं में आपका लेख भी प्रकाशित हुआ है आप शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं अन्य कई संस्थाओं के सहयोग से आप जन कल्याण के कार्य में अग्रसर हैं जिला प्रशासन कोटा द्वारा आपको सम्मानित किया गया है मैं भाई साहब से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी अपने मन के भाव हमारे बीच रखें ओम शांति ओम शांति मेरे ख्याल से आप लोग भूल कर रहे हैं जो भी आपको टेक्निक बताई थी ना बोलने की ओम शांति मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही है आपके चेहरों पे बिल्कुल खिल जाना चाहिए चेहरा आपका ओम शांति धन्यवाद मंचाशेन रेस्पेक्टेड बीके विजयलक्ष्मी आप डूंगरपुर से हैं एडिशनल जोनल कोऑर्डिनेटर राजस्थान के आशा दीदी कानपुर दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर सोशल विंग और बहुत ही अच्छी तरीके से मंच का संचालन कर रही बहन अंकिता जी जो आप अजमेर से हैं और मुझे यहाँ पर लाने वाली बहन प्रीति अनुराधा बहन हितेश भाई धीरज भाई और मेरे कोटा के बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं आप सब ने मुझे यहाँ लाने की प्रेरणा दी निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ अभी हमारे बीच में भाई गिरीश यहाँ पर नहीं है आपने उनकी बातों को सुना और वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं वो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है हम लोगों ने यहाँ आकर के कुछ अलग सा महसूस किया है ये आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि हमने जो तीन दिन हमारे घरों पर निकाले हैं उसमें और यहाँ के जो आज तीसरा दिन है उसमें निश्चित रूप से कुछ अंतर हमें महसूस हो रहा होगा निश्चित रूप से आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि समाज सेवा प्रभाग की ओर से आयोजित आध्यात्मिक जीवन मूल्यनिष्ठ समाज विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयुग शिविर का तृतीय दिवस आज है इस अवसर पर आप सब समाजसेवियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ साथियों यदि व्यक्ति ने ये मान लिया कि मैं महान हूँ मैं अच्छा हूँ और श्रेष्ठ हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया तो निश्चित मान के चलिए कि वो आगे उन्नति के पथ पर कभी नहीं चल पाएगा और यदि आपने स्वीकार किया कि मैं गलतियों का एक पुतला हूँ और उन्हें सुधारने का अवसर मेरे पास है जितनी मैं उन्हें रेक्टिफाई कर सकता हूँ उतनी करूँ तो निश्चित रूप से आपकी जीवन भर सीखने की लालसा रहेगी और आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे बाबा के दरबार में हम यहाँ हैं मैं दो पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित करता हूँ हजारों ऐब है मुझ में, अंकिता बेन। हजारों ऐब है मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक हजारों ऐब है मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक। तू मेरी हर कमी को खूबी में तब्दील कर देगा बाबा हजारों ऐब है मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक तू मेरी हर कमी को खूबी में तब्दील कर देगा एक खारे समंदर सी हस्ती है मेरी बाबा एक खारे समंदर सी हस्ती है मेरी बाबा तू अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देगा तू रहमतों से इसे मीठी झील कर देगा साथियों आप सब ने महसूस किया है कि हम जब से आए हैं आज तीसरा दिन है इस कैंपस में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो मैंने महसूस किया है मैं कोई नेता नहीं हूं न कोई भाषण देने वाला हूं मैं केवल आपसे अपने मन की बात करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था इस कैंपस में है इतना डेडिकेशन इस कैंपस में है इतना त्याग इस कैंपस में है इतनी धर्म धर्मपरायणता इस कैंपस में है कि इस कैंपस की जितनी तारीफ करो उतनी कम है मैं तो हृदय से गदगद हूँ कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जिन्हें हम इस संस्था के संस्थापक के रूप में स्वीकार करते हैं है, दादी रतन मोहनी जी जो मुख्य प्रशासिका यहाँ पर रही हैं और उनके प्रयासों से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खड़ा करके आज हमें ये सब ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है 1936 में स्थापित ये छोटा सा पौधा आज 8500 सेवा केंद्रों के माध्यम से 140 देशों में ज्ञान की गंगा बहा रहा है और फैक्ट्रीज तो आपने देखी है जहाँ पर माल बनता है पर ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर मनुष्य का निर्माण हो रहा है बधाई देना चाहूँगा मैं आप सबको कि आप इस परिसर के इस अवसर भागीदार हैं इस परिसर में प्रतिवर्ष तकरीबन 10 लाख डेलीगेट्स यहाँ पर आते हैं 10 लाख डेलीगेट्स उनकी सेवा आप करते हैं यहाँ पर आप देखिए कितना व्यवस्थित कार्यक्रम यहाँ पर रहता होगा एक साथ तकरीबन 25,000 व्यक्ति यहाँ पर निवास कर सकते हैं और 30,000 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर एक साथ की जा सकती है इस कार्य को संपादित करने के लिए तकरीबन 3,500 व्यक्ति यहाँ पर स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं इसके अलावा जो आप यहाँ पर भाई और बहनों को देखते हैं तकरीबन उनकी संख्या 1500 से 1800 के बीच में है कितना बड़ा मेन पावर जो है वो हमारे लिए लगा हुआ है यहाँ आने वाले डेलीगेट्स के लिए लगा हुआ है वास्तव में एक आश्चर्य है अभी कल ही हम लोगों को थोड़ा टाइम स्पेयर मिला और हम लोग एक प्लांट देखने के लिए चले गए जो आपका यहाँ पर सोलर थर्मल प्लांट है इंडिया वन सोलर थर्मल प्लांट जो भारत में एक मात्र है और वो प्लांट की खूबी यह है कि उस प्लांट में बिजली बनती है पर बिजली बनने के साथ साथ स्टोर भी होती है और उसी की बदौलत जो है आपको 24 घंटे बिजली की सप्लाई मिलती है तो ये ऐसा बढ़िया प्लांट जो है यहाँ पर लगा हुआ है जिसे देखने के लोग लिए बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ के ऑडिटोरियम में इतनी खासियत है कि जिस भाषा में आप बोलते हैं उसको 16 भाषाओं में कन्वर्ट करने की ताकत इस यहाँ के ऑडिटोरियम में है तो इतना बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर है उस व्यवस्था को देख करके जितने भी यहाँ पर व्यवस्थापक पके उनकी तारीफ करने का मन करता है क्या आपका नहीं करता फिर कमी किस बात की जोरदार ताली जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों आज का माहौल कैसा है उस पर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा पर फिर भी उस माहौल को देख करके हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है क्या ख्याल है आपका जो माहौल हम देख रहे हैं उस माहौल को देखते हुए क्या इस तरह की संस्थाओं की आवश्यकता है निश्चित रूप से ये परोपकार का कार्य किया है बाबा ने जो ऐसी सुंदर और इतनी ज्ञानपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में दी है आस्था सबसे बड़ी होती है हम लोग जो है कल चर्चा भी इस बारे में हुई थी कि सत्य क्या है ईश्वर क्या है परमात्मा क्या है इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी पर सबसे मुद्दा है आस्था का आप आस्था अगर किसी में रखते हैं तो वो भगवान का रूप बन जाता है आप देखिए एक छोटी सी घटना मेरे को याद आ रही है एक प्लेन जो है बम्बई से उड़ कर के बंगलोर की तरफ जाता है तकरीबन उसमें 140 व्यक्ति सवार हैं प्लेन टेक ऑफ करता है आधे रास्ते को आराम से तय करता है इतने में वहाँ पर पायलट की आवाज़ आती है कि भाई सभी लोग अपनी अपनी बेल्ट बांध लें मौसम बिगड़ रहा है तूफान आ सकता है तूफ़ान आता है और सभी लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं दिमाग में बड़ा ज़बरदस्त टेंशन हो जाता है और वो जो प्लेन है वो डामाडोल होने लगता है यात्री व्यथित होते हैं थोड़ी देर बाद ईश्वर की कृपा होती है और तूफान या संकट टल जाता है और प्लेन स्मूत गति से अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है इस बीच में एक तेरह वर्ष की बच्ची को देखते हैं कि वो प्लेन में चुपचाप बैठी हुए पूरे जितने एक यात्री हैं उनके चेहरे पे शिकन है पर उसके बच्ची के चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है तो यात्रियों ने उत्सुकता से पूछा कि बेटा आप ये बताओ कि हम लोग इतने परेशान हुए और आपके चेहरे पर सिकन भी नहीं क्या बात है ऐसी क्या बात है तो बच्ची ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि जो प्लेन का पायलट है वो मेरे पापा है प्लेन का पायलट है वो मेरे पापा है तो जब एक पायलट पर हम इतना विश्वास कर सकते हैं तो परमपिता पर क्यों नहीं विश्वास करते हम जो हमारी पूरी ज़िंदगी का संचालन करता है साथियों ज़िंदगी एक सफ़र है ज़िंदगी एक रास्ता है जिंदगी एक सरल रास्ता है आपको उस रास्ते पर चलना है निश्चित रूप से उतार चढ़ाव आएंगे उस ज़िंदगी में उतार ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं है किसी की भी जिंदगी नहीं जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते हों उतार चढ़ाव आएंगे पर जब उतार चढ़ाव आए तो समझदारी से आपने केवल गेयर को चेंज करते रहना जिंदगी चलती रहेगी केवल गेयर चेंज करना है जितनी मुसीबत बड़ी आती है उसी तरह का गेयर चेंज कर दीजिए जिंदगी आसानी से चलती रहेगी आप देखिए पूरे समाज से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कोई कितना बड़ा काम कर रहे हैं कोई कितना बड़ा काम करें पर जिसकी जो सामर्थ्य है वो उतना काम कर रहा है और निश्चित रूप से जिसकी भी मदद की जाती है आज की चर्चा का विषय यही है कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो उसके दिल से क्या निकलेगी धुआं निकलेगी जब आप किसी की मदद करते हैं और मदद का जहाँ तक ताल्लुक है मदद और दुआ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जितनी ज़्यादा आप मदद करेंगे या यूं मान करके चलिए कि ये इत्र के समान है इत्र खुशबू देता है तो जितनी आप दूसरे की मदद करेंगे उतनी ही दुआएं आपको मिलेगी और आपकी खुशबू उतनी ही ज़्यादा फैलेगी तो आप एक तरह से मेरे वजह मैं मानता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं और आपको दुआएं मिल रही है यह अच्छी बात है अभी अंकिता बहन ने बताया कि मैं लॉयंस क्लब से हूं और लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब कल रोटरी क्लब के हमारे साथी यहां पर मंच पर थे लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका मोटो जिसे हम कहते हैं उसका उद्देश्य है वी सर्व केवल मात्र निस्वार्थ सेवा करने का है और जिस तरह से हमारी ये संस्था है उसी प्रकार से लॉयंस क्लब भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो लगभग 210 देशों में प्रचारित है और लगभग 14 लाख तेरह हजार व्यक्ति इस समय हमारे जुड़े हुए हैं उससे और पूरी दुनिया में ऐसे काम जो संभवतः मुश्किल होते हैं वो लॉयस क्लब के माध्यम से किए जा रहे हैं एक छोटी सी बात करके मैं आपकी मेरी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि ये अंकिता बहन ने जरा ये स्लिप दे दिया है ना हाँ छोटी सी बात में करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक फुटबॉल खिलाड़ी रहा है पश्चिमी अफ्रीका का सानियो सोनेगल। जब कभी उसको देखा जाता है तो वो एक टूटे हुए मोबाइल पे बात करता हुआ नज़र आता है दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर टूटे हुए मोबाइल पर बात करता जाता है उसकी आमदनी एक करोड़ चालीस लाख रुपए प्रति सप्ताह है और मोबाइल कौन सा है उसके पास टूटा हुआ उसका कहना है कि मैंने गरीबी को देखा है मैं जब खेलने जाता था तो मेरे पास खेलने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे मैं बिना जूते के खेलता था मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था अब आज मैं इसी स्थिति में हूँ कि एक करोड़ चालीस लाख रुपए प्रति सप्ताह मुझे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मैं उन व्यक्तियों की मदद इससे करूँ जिनको इसकी आवश्यकता है आप ताजुब करेंगे कि वो अपनी आमदनी एक करोड़ चालीस लाख रुपए प्रति सप्ताह वैसे के वैसे डोनेट कर देता है मुझे क्या चाहिए दो रोटी और पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा बाकी ड्रेस वगैरह तो सरकार जो भी आयोजन करता है वो देती है तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति भी हमारे इस संसार में हैं जो अपनी पूरी आमदनी अब्दुल कलाम साहब का नाम तो आपने सुना है सब ने सुना है जब वो राष्ट्रपति भवन को छोड़ कर के गए तो जैसे वो आए थे वैसे ही वापस चले खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस चले गए उन्होंने कभी सैलरी को अपने हाथ लगाया नहीं पूरी डोनेट किया तो इस प्रकार के व्यक्ति हमारे बीच में है तो इन ऐसे व्यक्तियों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए मैं तो आप सबसे एक बात कहता हूँ कि हम सब मिलकर आओ बेहतर समाज का ख्वाब देखें हम सब मिलकर आओ बेहतर समाज का ख्वाब देखें गरीबों के सवालों का बनकर जवाब देखें आओ हम सब मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें गरीबों के सवालों का बनकर जवाब देखें सेवा भावी मजबूर हो जाएंगे सेवा कार्य करने को सेवा भावी मजबूर हो जाएंगे सेवा कार्य करने को इन से सभी सेवा भावियों पर आओ लुटा कर प्यार देखें इन सभी सेवा भावों पर तो साथियों आपने पूर्ण कार्य किया है निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं एक बार सब अपने लिए जैसे कल कहा था पीठ थपथपा करके ताली बजा दें और अपने दे। आप को धन्यवाद दें आप वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और अंत में चूँकि मेरे को ये देख देख के थोड़ा डर लग रहा है इसे मैं चाहता था अपनी मन की बात करना और अभी मैं अगर इजाज़त हो तो, तो पाँच मिनट और बात कर लूँ दीदी बोले हाँ चलो कोई बात नहीं मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ अगर आपको पंक्ति अच्छी लगे तो आप उसको अपने साथ घर लेकर के जाइएगा कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दीदी विजयलक्ष्मी दीदी अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं जो खिलाने में है वो खाने में नहीं जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले जिंदगी में तू किसी का काम आना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत आभार कि ये मौका मुझे दिया और आपने उसको ध्यान से सुना थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई जी का आपने अपने मन के विचार हमारे समक्ष रखे अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के सेशन के चेयरपर्सन हमारी आदरणीय राजयोगनी आशा दीदी जी का जो खानपुर दिल्ली से हैं आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल विंग दिल्ली की आप पिछले 40 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं मानवता के लिए दे रही हैं सत्रह वर्ष की एक छोटी सी आयु में आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने जीवन को समर्पित किया आप पूरे भारत में कई सारे कैंपेंस कर चुके हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूथ और सोशल कैंपेंस में भी आपने अपनी हिस्सेदारी निभाई है दी एडिक्शन कैंपेंस में भी आपने पार्टिसिपेट किया है आप राजयोगा टीचर तो है ही हैं साथ ही साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है इंटरनेशनल वुमेंस एक्सीलेंट अवार्ड धर्म गुरु अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड आपने अपने नाम किए हैं आपके अंदर परमात्मा सेवा के प्रति बहुत लगन है और आपका व्यक्तित्व बहुत सौम्यता से संपन्न है धीर गंभीरता की आप मूर्ति हैं आपके लिए मैं कहना चाहूँगी जो आपके दिल के उद्गार हैं कि हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊँ हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊँ जरूरतमंदों की जरूरत का आधार बन जाऊँ बन के नेता नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे बन के नेता नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे चाहत है आध्यात्मिक समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाओ दूसरा नाम बन जाओ आदरणीय आशा दीदी ओम शांति मंच पर आसीन प्रिय भाइयों एवं बहनों और इस सभा में उपस्थित बहुत ही धीरज और प्रेम और शांति को दिए हुए समाजसेवी भाई और बहनों दुआओं को लेने और देने की बात हम कर रहे हैं मैं ये समझ रही हूँ कि आप सभी ने अपने अपने प्रांतों से अपने अपने कार्यों से कुछ समय के लिए निवृत्त होकर अपने जिम्मेवारियों के कार्यों को भी वाइंड अप करके माउंट आबू में इस समाज सेवा प्रभाग की इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जो समय निकाला आप सभी ने ढेर सारी दुआएं ले ली हैं आप सभी दुआओं के पात्र बन गए हैं यहाँ से जाने के पश्चात समीप के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर के ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया साप्ताहिक कोर्स उसको करना तो दुआओं को बरकरार रखने का तरीका है और मुझे लग रहा है आपके बैठने की सीमा आपके सुनने की सीमा को देखते हुए यदि मैं वाणी को विराम दे दूं तो ये मैं आप सभी से दुआएं ले लूंगी फिर भी दो बातें कहूंगी ज़रूर दुआएं हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं दुआएं एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आड़े वक्त काम आता है दुआएं वो फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा जोड़ते समय पर काम आता है जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता खुला हुआ नहीं दिखाई देता तब दुआओं का द्वार खुल जाता है ऐसी दुआओं को लेने के लिए ही हमारे समाज ने भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम बना दिए जैसे हैप्पी बर्थडे मनाना वेडिंग डे फ्लावर डे सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फादर डे मदर डे बहुत सारे डेज हमने नियुक्त कर लिए ये भी दुआओं को लेना चाहते हैं इसलिए ये सेलिब्रेशन भी हम रख दिया करते हैं दुआओं को लेने के लिए अपने बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं जिससे हमें खुशी मिले दुआएं मिले बच्ची का नाम रख देते हैं खुशी और बार बार उसे कहते रहते हैं खुशी तुम रोना मत परंतु दुआएं खुशी हर किसी की मांग है दुआएं किन कार्यों से मिलती हैं क्या ऐसा प्रैक्टिकल हम करें जो हम दुआओं के हकदार बन जाएं, दुआएं जब किसी भी प्रकार की आवश्यकता के समय जिस व्यक्ति को जैसी मदद चाहिए जिस समय जो चाहिए वो उसे हम दें। तो दुआएं मिल जाती हैं। मैंने बहुत सारी चीजों के अनुभव किए और आज मैं काफी देर से इस बात को सोच रही थी दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सफ्तजंग हॉस्पिटल मैं अनेकों बार अनेकों रोगियों को देखने के लिए जाती हूं मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन्हें सांत्वना देना धीरज देना उनके दुख में काम आना एक ऐसे रोगी के पास में गई जिसका शरीर 80 प्रतिशत जल चुका था उस जले हुए व्यक्ति पर कोई वस्त्र नहीं डाल सकते क्योंकि वो छिपक जाएगा शरीर से इसलिए उसका बेड साधन ही ऐसा होता है जो ऊपर में कुछ तारे लगा देते हैं और उसके ऊपर बेडशीट डाल देते हैं बॉडी को कवर करने के लिए उसी जगह मैंने क्या पाया वो व्यक्ति इतना लाचार और वहाँ उस वार्ड में जरा भी स्वच्छता नहीं कॉकरोच घूम रहे थे उसके मुंह के पास भी कॉकरोच मैंने बिना संकोच बिना कुछ सोचे समझे उसको हटा दिया न केवल वही लेकिन आसपास में भी जो गंदगी थी उसको भी साफ कर दिया उस व्यक्ति की कुछ समय के बाद मृत्यु तो हो गई क्योंकि 80 परसेंट जल चुका था परंतु उसकी जो मुस्कुराहट थी शब्द नहीं थे लेकिन उस मुस्कुराहट से जो मुझे दुआएं प्राप्त हुई आज भी बीच बीच में जब मैं उस दृश्य को याद करती हूँ रिकॉल करती हूँ तो दुआएं केवल उस घड़ी ही नहीं लेकिन आज भी महसूस करती हूं दुआएं मिलती रहती हैं छोटा सा कार्य करके भी आवश्यकता के समय जैसी आवश्यकताओं यदि सड़क पर कोई नेत्रहीन जा रहा है और उस समय उसे ठोकर लगने की संभावना है एक्सीडेंट होने की संभावना है और ऐसे में केवल उसे रोड क्रॉस करा देते हैं उसकी दिल की दुआओं को मिलती है कभी कोई भी वृद्ध व्यक्ति किसी भी बीमारी किसी भी कारण से उसे चक्कर आते हैं, चाहे वो सर्वाइकल पेन के कारण या अन्य किसी कारण से तो ऐसे वृद्ध व्यक्ति का यदि पैर मुड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाता है और हम बिना सोचे बिना संकोच बिना किसी शर्त के उस व्यक्ति को अपना हाथ सौंपते हैं और जल्दी से उसे किनारे कर लेते हैं उस व्यक्ति की दिल की आवाज दुआओं भरी होती है दुआओं के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं कभी कभी हम देखते हैं बहुत गर्मी का टाइम होता है बहुत प्यास लगी होती है और हमें इस समझ में आता है हमारी लिप्स लैंग्वेज बताती है कि उसको प्यास लगी है तो हम तुरंत पानी उसको दे दें, सिंपल छोटा सा कार्य बिना खर्चे वाला कार्य भी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनेकों दुखों से परेशान होकर के अपने जीवघात का संकल्प कर बैठा है ऐसे निराश व्यक्ति को ऐसे परेशान व्यक्ति को हिम्मतहीन व्यक्ति को यदि हम हिम्मत दिला दें उसको उसकी अहमियत जीवन की बता दें उसका जीने का महत्व बता दें और वो कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए समाज के लिए ये जागृति दिला दें जीने की तमन्ना पैदा कर दें ऐसे व्यक्ति के दिल से दुआ निकलती है यदि हमारे दिल में सच्चाई सफाई है प्यार है तो भी हम दुआओं के हकदार बन जाते हैं सार में मैं केवल इतना कहूंगी जैसा समय जैसी आवश्यकता उस समय के लिए तत्पर रहना समाज सेवियों को बहुत बार रात्रि में जब उनका आराम का समय तब कॉल आता है किसी का मदद के लिए और उस समय यदि हम ये कहते हैं ये तो मेरा सोने का टाइम है ये कोई टाइम है फोन करने का मदद उसे इस समय चाहिए और हम आराम की बात कर रहे हैं वह जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है उस समय में कुछ और सोच भी सकते हैं यदि कोई बाढ़ में पीड़ित है परेशान है ऐसे टाइम पर जो प्राकृतिक आपदा से घिराए उस समय उसे मदद चाहिए तुरंत मदद चाहिए इंस्टेंट मदद चाहिए उस समय हम किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े अपना धन लगाना पड़े समय लगाना पड़े साधन लगाने पड़े सब कुछ लगाने के लिए हम तैयार रहें तब दिल से दुआएं मिलती हैं और तब समाज सेवियों को लोग मास्टर भगवान का दर्जा दे दिया करते हैं ऐसे मास्टर भगवान हैं आप तो भगवान किसको कहते हैं जो हर समय हर एक की सुनता है हर समय हर एक की सुनता है उसे भगवान कहते हैं तो हम सभी मास्टर भगवान सोशल साइंटिस्ट सोशल वर्कर सोशल लीडर्स ऐसे सदा समाज की सेवा के लिए तैयार रहें तो आप दुआओं का दरिया बन जाएंगे इतनी दुआएं आप कमाएं ये हमारी दिल की आवाज़ है कि आप अपने जीवन को तो सुंदर श्रेष्ठ बनाए ही परंतु सारे समाज को भी दुआएं दिलवाने के हकदार बन जाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी जी का हमें हमारा समान याद दिलाया कि हम सभी कौन है मास्टर भगवान है ना जैसा पात्र वैसा दान जिन आत्माओं को जिन चीज़ की आवश्यकता है वो हम उन्हें उपलब्ध कराएं, यही दुआएं कमाने का साधन है दीदी दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं निवेदन करना चाहूँगी विराट नगर नेपाल के बीके गीता दीदी जी का कि वो हमारे मेहमानों को मोमेंटो दे करके उनका सम्मान करें हेलो मैं दीदी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने सम्मान मुझे दिया है इसकी असली अकदार हमारी प्रीति दीदी है कृपया उसको बुला करके और ये सम्मान उसको पहुँचाएँ सर प्रीति जी आई प्लीज़ ए अच्छा नहीं आएंगी वो नहीं। हाँ, देखे, देखे। चलो एक क्लिप तो ले लेंगे इनके साथ है ना आ जाइए ये मत लीजिए समाज सेवा प्रभाग की तरफ से मोमेंटो के द्वारा भाई जी का सम्मान ये हमारे कोटा के साथ ही सभी आ जाए एक क्लिप हो जाएंगे रत्नानी जी आ जाए नैनानी जी आ जाए फटाफट एक मिनट के अंदर प्लीज जल्दी आ जाए एक फोटोग्राफ हो जाएगा सबका